सो आज हम पहुंच गए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे एंड दीज आर ऑल द स्टूडेंट फॉर्मूला कार्स मेड बाय इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड इसमें खास ब्रेकिंग सिस्टम यूज की जाती है जो हमारे रेगुलर रोड व्हीकल्स के ब्रेकिंग सिस्टम से काफी अलग होती है बिकॉज दे आर यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज ब्रेक बैलेंस बार एंड इट इज ऑल्सो यूज इन फॉर्मूला वन कार्स बट इनमें जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है जिसमें जो बैलेंसर बार यूज किया जाता है ये कैसे वर्क करता है आज हम उसकी बात करेंगे. ब्रेक बैलेंस और ब्रेक बायस इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन द फ्रंट एंड द रियर व्हील्स ऑफ अ व्हीकल. और हाँ ये जरूरी है कि फ्रंट और रियर व्हील्स पे अलग ब्रेक फोर्स लगे क्योंकि गाड़ी के ब्रेक अप्लाई करने पे वेट ट्रांसफर होता है फ्रॉम रियर एक्सल टू द फ्रंट और इसी की वजह से फ्रंट व्हील्स पे ज्यादा ब्रेक फोर्स लगना चाहिए. यूजुअली हम 60-40 का रेशियो रखते हैं फॉर द ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फ्रंट एंड द रियर व्हील्स. 60% ब्रेक फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द फ्रंट व्हील्स व्हाइल 40% ऑन द रियर व्हील्स. बाइक्स में भी सेम रीजन होता है और इसीलिए बाइक्स की फ्रंट डिस्क बड़ी होती है लेकिन जिस हिसाब से हम ब्रेक अप्लाई करेंगे उस हिसाब से वेट ट्रांसफर भी वेरी करेगा और इसीलिए कभी कभी फ्रंट व्हील्स पे 60% से ज्यादा ब्रेक फोर्स भी रिक्वायर्ड होता है और ये रिक्वायरमेंट यूजुअली हमारे गाड़ियों में यूज किए गए टैंडम मास्टर सिलेंडर्स अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है. लेकिन ऐसी भी गाड़ियां होती है जिनमें ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व यूज किए जाते हैं जो एक्चुअली रियर व्हील्स पे लगने वाले ब्रेक फोर्स को थोड़ा कम करता है और वही ब्रेक फोर्स वो आगे के व्हील्स पे ट्रांसमिट करता है. ऐसा इसलिए क्योंकि रियर व्हील्स अगर लॉक हो गए तो उनका स्लिप एंगल बढ़ेगा which would result into oversteer और ऐसे में गाड़ी को control करना थोड़ा difficult हो जाता है. और brake proportioning valve rear wheels पे लगने वाले brake force को limit करता है to prevent oversteer. अब market में ऐसे भी brake proportioning valves available है जिनको adjust किया जा सकता है to apply more braking force on the rear wheels. लेकिन rear wheels पे 40-50% से ज़्यादा वो brake force apply करने नहीं देगा for safety reasons. लेकिन जब हम रेस कार्स बना रहे होते हैं तो ट्रैक पे ऐसी भी सिचुएशंस अराइज होती है कि जब हमें चाहिए होता है कि रियर व्हील्स पे ज्यादा ब्रेक फोर्स अप्लाई हो टू इंड्यूस ओवरस्टीयर फॉर टाइटर कॉर्नर्स और प्रोपोर्शनिंग वाल्व्स और टैंडम मास्टर सिलेंडर को यूज करके हम 40-50% से ज्यादा ब्रेक फोर्स रियर व्हील्स पे अप्लाई नहीं कर सकते जबकि ट्रैक में रियर व्हील्स पे ब्रेकिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा होगी. और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रेक बैलेंस बार या फिर ब्रेक बायस बार यूज किया जाता है. द बैलेंस बार अलाउज यू टू एडजस्ट द ब्रेक फोर्स ऑन द फ्रंट एंड द रियर व्हील्स लेकिन इसके लिए दो ब्रेकिंग सर्किट यूज करनी पड़ती है. अब ये मास्टर सिलेंडर और ये ब्रेकिंग सर्किट के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको सीखना चाहिए बाय रीडिंग माय बुक एंड लर्न मोर अबाउट ब्रेकिंग सिस्टम्स एंड अदर सिस्टम्स यूज्ड इन अ कार. सो यूजुअली रेस कार्स में लाइक फॉर्मूला 1 कार्स या फिर स्टूडेंट फॉर्मूला कार्स में फ्रंट रियर स्प्लिट टाइप ब्रेकिंग सर्किट यूज की जाती है सो दैट ड्राइवर फ्रंट और रियर व्हील्स पे लगने वाले ब्रेक फोर्स को एडजस्ट कर सके. अब ये ब्रेक फोर्स एडजस्ट क्यों करना होता है? वेल, फ्रंट और रियर व्हील्स पे लगने वाले ब्रेक फोर्स को एडजस्ट करके कार की स्टीयरिंग एबिलिटी को चेंज किया जा सकता है. फ्रंट व्हील्स पे ज्यादा ब्रेक फोर्स अप्लाई करने पे फ्रंट व्हील्स का स्लिप एंगल बढ़ेगा विच वुड मेक द कार डाइव थ्रू अ कॉर्नर. लेकिन रियर व्हील्स पे ज्यादा ब्रेक फोर्स अप्लाई करके रियर व्हील्स का स्लिप एंगल बढ़ाया जा सकता है विच वुड लीड द कार इनटू ओवरस्टीयर कंडीशन. और ये रेस ट्रैक पे हर कॉर्नर के बेसिस पे ड्राइवर को डिसाइड करना पड़ता है कि फ्रंट व्हील्स पे ज्यादा ब्रेक फोर्स अप्लाई किया जाए या फिर रियर व्हील्स पे. डेफिनेटली शार्प हेयरपिन कॉर्नर्स में ओवरस्टीयर कंडीशन काफी हेल्पफुल होता है बिकॉज इट मेक्स द कार टू टर्न अराउंड. और दोनों केसेस में कार को हैंडल करने में ड्राइवर का एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट होता है. तो यस, फ्रंट और रियर व्हील्स के बीच में ब्रेक फोर्स को एडजस्ट करने के लिए दो मास्टर सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं, वन फॉर द फ्रंट व्हील्स एंड अदर फॉर द रियर व्हील्स. और ये दोनों मास्टर सिलेंडर को ब्रेक पेडल के साथ एक बार की मदद से जोड़ा जाता है. दिस बार इज नोन एज द बैलेंसर बार. ब्रेक पेडल और मास्टर सिलेंडर के बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट करके किसी एक मास्टर सिलेंडर पे ज्यादा ब्रेक फोर्स अप्लाई किया जा सकता है और ये डिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए बैलेंस बार यूज किया जाता है. अगर मास्टर सिलेंडर और ब्रेक पेडल के बीच में कम डिस्टेंस होगा तो वो सबसे ज्यादा फोर्स उसी मास्टर सिलेंडर पे अप्लाई करेगा. और ये मास्टर सिलेंडर और ब्रेक पेडल के बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए हमें बैलेंस बार को सिर्फ रोटेट करना होता है. यूजुअली मैंने स्टूडेंट फॉर्मूला कार्स में देखा है कि स्टूडेंट्स भी अपनी फॉर्मूला कार्स के लिए 60-40 का ही ब्रेक बैलेंस रेशियो रखते हैं, 60% ऑन द फ्रंट व्हील्स व्हाइल 40% ऑन द रियर व्हील. लेकिन मैंने कभी उनको ये बैलेंस बार को एडजस्ट करते नहीं देखा है. और अगर उनको ब्रेक बैलेंस एडजस्ट करना होगा तो उनको पूरा बॉडी वर्क निकालना पड़ता है और टूल्स की मदद से बैलेंस बार को रोटेट करना पड़ता है टू री एडजस्ट द ब्रेक बैलेंस. लेकिन यही ब्रेक बैलेंस बार को गाड़ी चलाते वक्त एडजस्ट किया जा सकता है यूजिंग अ रोटेटिंग नॉब एंड मैकेनिकल केबल विच नन ऑफ द इंडियन स्टूडेंट फॉर्मूला टीम्स आर यूजिंग फॉर देयर स्टूडेंट फॉर्मूला कार्स. व्हाई नॉट यार, यूज करो यार, थोड़ा इनोवेशन भी हो जाएगा. और अगर ये स्टूडेंट्स चाहे तो वो इसी ब्रेक बैलेंस एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को इलेक्ट्रॉनिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय सिंपली यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, अ माइक्रो कंट्रोलर एंड अ सर्वो मोटर.
और यही मैकेनिज्म फॉर्मूला 1 कार्स में भी यूज किया जाता है। यस, फॉर्मूला 1 कार्स के स्टीयरिंग व्हील में रोटेटिंग स्विचेस दिए होते हैं फॉर द ड्राइवर टू एडजस्ट द ब्रेक बैलेंस व्हाइल रेसिंग ऑन द ट्रैक। लेकिन F1 कार्स की ब्रेकिंग सिस्टम इससे और भी एडवांस होती है बिकॉज देयर इज मोर देन वन सिस्टम टू अप्लाई ब्रेकिंग फोर्स ऑन द रियर व्हील्स। क्योंकि F1 कार्स के रियर व्हील्स को स्लो करने के लिए वो इंजन के फ्रिक्शन पावर को भी यूज करते हैं, बेसिकली इंजन ब्रेकिंग। साइमल्टेनियसली उनके जो हाइब्रिड पावर यूनिट में लगे वो MGUK है, उसको भी यूज करते हैं। सो F1 कार्स के रियर व्हील्स को स्लो करने के लिए बेसिकली 3 रेजिस्टिंग फोर्सेस अप्लाई होते हैं, द इंजन ब्रेकिंग, द MGUK एंड द ब्रेक फोर्स अप्लाइड बाय द ड्राइवर ऑन द ब्रेक पेडल। अब इन तीनों में से इंजन ब्रेकिंग और MGUK एक लिमिटेड अमाउंट का रेजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, विच इज नॉट इनफ टू इंस्टेंटली स्लो डाउन अ कार और इवन स्टॉप द कार। और इसीलिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए टू इंस्टेंटली स्लो डाउन द कार वो फोर्स ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। फॉर्मूला 1 कार्स के इंजीनियर्स को पता होता है कि इंजन ब्रेकिंग और MGUK की मदद से कितना रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। सो जो एक्स्ट्रा एफर्ट ब्रेकिंग सिस्टम को लगाना पड़ेगा उसके लिए वो अलग से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम रखते हैं विच कंट्रोल्स द ब्रेकिंग फोर्स ऑन द रियर व्हील्स। इसकी वजह से ब्रेकिंग सिस्टम का वेयर एंड टेयर भी कम हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम के लिए बेसिकली ब्रेक बाय वायर के लिए वो एक सेपरेट मास्टर सिलेंडर यूज करते हैं जस्ट फॉर द रियर व्हील्स। अब आपको ये डाउट तो जरूर होगा कि ये MGUK क्या है। सो टू लर्न मोर अबाउट MGUK एंड सिमिलर हाइब्रिड सिस्टम्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स देन यू शुड रीड दिस बुक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन अ नटशेल। बट व्हाट इफ दिस सिस्टम फेल्स? अगर ये F1 कार्स का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम या फिर ब्रेक बाय वायर सिस्टम फेल होता है तो चिंता का कोई विषय है ही नहीं, बिकॉज जो आगे पेडल के साथ लगा हुआ जो दूसरा मास्टर सिलेंडर है उसको एक्चुअली रियर व्हील्स के साथ कनेक्ट किया जाता है एज अ फॉल सेफ मैकेनिज्म, सो दैट इट अप्लाइज द ब्रेकिंग फोर्स ऑन द रियर व्हील्स। और इसके साथ स्टीयरिंग व्हील पर लगे हुए रोटरी स्विचेस को घुमा के ड्राइवर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रंट और रियर व्हील्स के बीच के ब्रेकिंग फोर्स को एडजस्ट कर सकता है। एंड ब्रेक बैलेंस इज नॉट द ओनली थिंग दैट फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स कैन एडजस्ट ऑन देयर कार, वो इसके साथ उनके डिफरेंशियल का भी प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको जानने के लिए ये वाला वीडियो देखना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM।